छत्तीसगढ़ के टीकरापारा पुलिस ने महिला शिक्षिका को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। महिला का आरोप है कि घूमने के दौरान शिक्षक ने उसके साथ सेल्फी ली थी, उसी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसों की डिमांड करता था। हजारों रुपए देने के बाद भी कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक सुरेंद्र टंडन को अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे डाल दिया है। टीकरापारा टीआई याकूब मेमन के मुताबिक आरोपी शिक्षक सुरेंद्र टंडन डुंडा स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। पीड़िता महिला शिक्षिका भी पहले उसी स्कूल में पदस्थ थी। इसी दौरान दोनों की जान पहचान हुई और फोन के जरिए बातचीत होने लगी। इसी बीच एक दिन शिक्षक सहयोगी शिक्षिका को अपने साथ घूमने ले गया। जब वो साथ में घूम रहे थे तभी फोन में शिक्षक ने महिला शिक्षिका के साथ सेल्फी ले ली थी। इसी सेल्फी को शिक्षक सोशल मीडिया में डालकर वायरल कर देने और पूरी बात उसके पति को बता देने की धमकी देता था। ब्लैकमेल कर वह महिला से 60 से 70 हजार रुपए ऐंठ चुका था। पिछले कई दिनों से शिक्षिका इसी बात को लेकर परेशान रह रही थी। पत्नी के परेशान होने की वजह पति ने पूछ लिया, तब उसने पूरी बात बता दी, जिसके बाद मंगलवार को महिला अपने पति के साथ टीकरापारा थाना पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए आरोपी शिक्षक सुरेंद्र टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।